Hare 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 Hare
Thank you.
Yes, I'm
Yeah.
अभय चरणारविंद भक्ति विनाथ स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविधि संत पदाचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय। देवों विष्णु पाद परमहंस परिवार आचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ स्वामी प्रभुवन की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा शि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारिका माई की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत गौर भक्त बिंद की जय। मिताई गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी टू सिंबली ऑल ग्लोरी टू सिंबली ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी टू गुरु गौरांगा श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वविघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की भक्त शिरोमणि श्री बलराम महाराज की नमस्ते।
Thank you.
यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें आस्वादन कराता है। श्री श्री चैतन्य शिक्षा भगवान नाम में होने वाले दस प्रकार भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, दूसरा शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे प्रसन्न समझना, तीसरा गुरु की अवज्ञा करना एवं उन्हें साधारण मनुष्य समझना, चौथा वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना, पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को वाचनी समझना, छठा पवित्र भगवान नाम में हर पाप का आरोप करना, सातवां भगवान के नाम के बल पर अपराध करना, आठवां हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित सूत्र काम कर नया कर्म कांड के समान करना, नौवां अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना, दसवां भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी आज महिमा सुनने पर भी भौतिक विचार करना, ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए जिससे उसे शीघ्र से शीघ्र अभिष्ट सिद्धि अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। हरि नाम प्रभु की उद्धरे आत्मना आत्मानं न आत्मनाम अवसादये आत्मा एव हि आत्मनः बंधो आत्मा रिपु आत्मनः उद्धरे उद्धार करे आत्मना मन से आत्मानं बद्धजीव को न कभी नहीं आत्मानं बद्धजीव को और साध ये पतन होने दे। आत्मा मन एव निश्चय ही निस्संदेह आत्मनः बद्धजीव का बंधु मित्र आत्मा मन एव निश्चय रिपु शत्रु आत्मनः बद्धजीव का। मनुष्य को चाहिए कि अपनी मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र है और शत्रु भी। ओम ज्ञान निरंजन ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेक्षाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तत्पर श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रश्न के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है क्योंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रश्न में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति के कड़क लग से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके।
मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषदों में कहा गया, मन एवं मनुष्याणा कारणम बंध मोक्ष योग बंधाय विषय संगो मुक्त निर्विषय। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है।